बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की एक बहुत खूबसूरत निशानी शहद की मक्खी का बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने शहद में ऐसी बेपनाह खुसूसियत रखी हैं कि जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज की हमारी वीडियो का मौजू है शहद के फ़वाइद को कुरान और हदीस की रोशनी में और साइंसी एतबार से इसकी अहमियत को जानना है। कुरान मजीद में सूरतुल नहल आयत नंबर 68-69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वऔहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बनाओ, दरख्तों में घर बनाओ और छतों में, फिर हर किस्म के फल से खाओ और अपने रब की राहें चलो कि तेरे लिए ये नरम और आसान है। इसके पेट से एक पीने की चीज़ रंग बिरंगी निकलती है जिसमें लोगों के लिए तंदुरुस्ती और शिफा है। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। कुरान करीम की इस आयत मुबारक में शहद की मक्खी और शहद के मुतालिक जो बयान है, इसमें तीन चीज़ें सामने आती हैं। नंबर 1, शहद की मक्खी के ठिकाने बुलंदियों पर होंगे। नंबर 2, अपना रिस्क फलों से हासिल करेगी। नंबर 3, इसके मुंह और पेट से मुख्तलिफ जौहर खारिज होंगे जिसमें शिफा है। कुरान मजीद में जहाँ जन्नतियों के लिए जन्नत के खाने और पीने का तस्करा है, वहाँ शहद का भी तस्करा है, जिससे उसकी अहमियत और अफादियत वाज़ेह हो जाती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शीरनी और शहद बहुत पसंद था। इससे पता चलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और शहद के मशरूबात के बारे में कुरान करीम में कई जगह जिक्र आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात शहद से बने मशरूबात नोश फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने मशरूबात में ना सिर्फ शामिल रखा बल्कि ताकीद भी फरमाई कि शहद में शिफा है और इसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए। इब्न ए माजा में रिवायत है हदीस नंबर 3450 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर माह में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट लिया करे उसको कोई बड़ी आफत नहीं आएगी, यानी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। सोचा जाए तो ये कितनी बड़ी पेशेनगोई है कि अगर कोई महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद इस्तेमाल कर लेता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी से महफूज रहेगा। जाहिर है कि अगर रोज़ाना इस्तेमाल करने की किसी को तौफीक या मौका मिले तो अल्लाह की रहमत और ज़्यादा होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शहद का तोहफ़ा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को खाने के लिए थोड़ा थोड़ा बाँटा। मैंने अपना हिस्सा ले लिया और फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं थोड़ा सा और ले लूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाजिम कर लो अपने ऊपर 2 शिफाओं को, शहद और कुरान पाक। इससे ज़्यादा बड़ी और वाज़ेह दिली क्या होगी कि शहद में शिफा है। दौरे हाजिर में शहद ना सिर्फ मीठे के तौर पर इस्तेमाल होता है बल्कि बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। साइंस आज भी बेहद तरक्की और तजर्बात के बावजूद मसनूई शहद बनाने में नाकाम रही है। शहद की एक खासियत ये भी है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार करे तो फिर ये शहद 1000 साल भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता और इसके जायके में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। जिस तरह शहद में बहुत मिठास है तो शहद की मक्खियों की एक खासियत ये भी है कि वो एक दूसरे से जानवरों की तरह या कीड़े मकोड़ों की तरह आपस में लड़ती नहीं है बल्कि आपस में मोहब्बत और मनज़म तरीके से रहती हैं और काम करती हैं। शहद की मक्खियाँ जो छत्ते बनाती हैं उनमें 8 किस्म के खाने होते हैं। उनमें अंडों, बच्चों, शहद, मोम के खाने अलग अलग होते हैं। शहद के एक छोटे चाय के चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है, जबकि बड़े खाने के चाय के चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है, 50,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है। शहद को गले की खराश, बदहजमी, गर्मी दूर करने के अलावा दीगर बीमारियों के लिए हज़ारों साल से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कुछ मगरबी ममालिक में शहद की मक्खी के डंग से जोड़ों के दर्द और सूजन को भी दूर किया जाता है। इसके अलावा शहद के इस्तेमाल से खून की कमी, दमा, गंजापन, थकावट, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कीड़े का काटा, नींद की कमी, जहनी दबाव और टीबी जैसे अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि निहार मुँह नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से नज़ला ज़ुकाम और मैदे के अमराज समेत कई बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। शहद में कुदरत ने मुख्तलिफ अज्जा को इस खूबसूरती से तरतीब दिया है कि दुनिया की किसी भी बीमारी में इसे इस्तेमाल करना अफाके का बास बनता है, क्योंकि ये एक इंसानी खुराक है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी अच्छी मालूमाती वीडियो हमेशा मिलती रहे।